टक्सीडो के नीचे तौलिया, ये पहली बार देखा मैंने। हमारे पास बेसिकली पाजी एक ही कोट था बाहर, तो कोट मैंने पहन लिया, पैंट इसने पहन ली। अंडरवियर वो हमारे पास खुद के अपने हैं, क्योंकि अभी तक हम प्रोड्यूसर नहीं ना बने। तेरी बात पे हंसी आई। कोई सुनो मेरी बात, तुम लोग होस्ट करने आ गए, पहले कभी कोई शो होस्ट किया तुम दोनों ने? ना मैं बिल्कुल, मैं खानदानी होस्ट हूँ, मेरी चाची एयर होस्टेस है। हाँ जी, जो ढाबे पर लगी होती है उसको एयर होस्टेस नहीं बोलते। तुम्हें कभी अनाउंसमेंट वगैरह किया है कुछ ऐसे? बड़ी अनाउंसमेंट की हमने, करके बता थोड़ा सा। सब भी कर देते। सुनो सुनो सुनो, 7 साल का बच्चा गुम हो गया है, उसने निक्कर पहनी हुई है पीले रंग की, जहाँ पता नहीं रो रो कर पीले रंग की हो गई है। तो मम्मी का नाम नीलू बता रहा है, कृपया जिसका भी हो वो मंच के पास आकर संपर्क करें। ठीक है जी। बेवकूफ आदमी, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई आर्टिस्ट स्टेज पे परफॉर्म करने आ रहा है, उसकी अनाउंसमेंट उसको कैसे प्रेजेंट करोगे? वो भी आती है। ये क्या एंट्री हुई? एंट्री नहीं, मैं रेलगाड़ी में पापड़ बेच रहा हूँ, आ जा। तो तरीका होता है बुलाने का। इनके घर में कभी कोई मेहमान आया तो इनको पता चले ना कैसे बुलाते हैं मेहमान को। हाँ जी हाँ जी, इनके घर में बहुत मेहमान आते हैं। इनके मामा ने फोन किया था कि मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ, कहता अपना टूथब्रश ले गया ना, मैंने कई दिनों से पेस्ट नहीं की। उसको तो बोल रहा है, अपने बारे में बता। पाजी ये पता नहीं मेरे दोस्त कैसे बन गए, इसकी बुआ आई इसके घर पे रहने सर्दियों में, कहती बेटे रजाई तो ला इतनी ठंड है। कहता रजाई जी कोई नहीं, हम तो एक दूसरे को जफ्फी डाल के सो जाते हैं। कहता मैं अपने डैडी के साथ जफ्फी डाल के सो जाता हूँ, मेरी बीवी मेरी माँ के साथ। और बेवकूफ रजाइयाँ नहीं मंगानी, जफ्फियाँ तो ठीक करो अपनी। देखो आज आप हमारे गेस्ट हो, इसलिए आज हमने आपको कुछ नहीं कहना, आप कृपया वहां पर विराजमान हो जाइए। थैंक यू। हमने आपसे सवाल करने, प्लीज। तो जोरदार तालियां बाजी, जोरदार तालियां। और मेरी फिल्म की पूरी स्टार कास्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये तो जगह बड़ी अच्छी। अच्छा है। मैं ये कह रहा, अच्छा हिम्मत नहीं मेहंदी की करिए बाजी। खैर मेरा पहला सवाल ये, अच्छा लग रहा है, फिल्म आई है तो खुद इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी दिया नहीं इंटरव्यू। अच्छा नहीं कपिल जी, सीरियसली जब आपने अपनी पहली फिल्म में डिबट किया था तो किया था डिबट स्पेलिंग बोल, DEBUT, डेब्यू होता है वो। ये जो डेब्यू आपके उधर कहते होंगे, हमारे इधर डिबट कहते हैं। यार मैंने बहुत सीरियस फिल्म और सिंसियरिटी से फिल्म बनाई है यार, ढंग के सवाल करो। देखो मेरी बात सुनो, मेरे मन में वैसे एक सवाल था कि कपिल जी आपका मैंने ट्रेलर देखा फिल्म का जी, तो उसमें एक मैंने चीज देखी कि आप एक्टर को लात मार रहे हैं जी, ये मतलब स्क्रिप्ट में था या आपने एज ए प्रोड्यूसर भड़ास निकाली? अब सही कपिल पकड़ में आया। ये बदतमीज है, ये तो करते रहेंगे, लेकिन मैं जनरली बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल अपनी फिल्म को लेकर हंसी मजाक नहीं जी। उसको हमारे जो किरदार है मंगा जी वो लात मारता, मतलब उसको शफा है। हमारे पास जी नॉर्थ में बड़ा मानते हैं कि जो बच्चा उल्टा पैदा हुआ है तो उसके शफा होती है, गॉड गिफ्ट होता है उसको। वो अगर किसी की पीठ में दर्द है तो उसको अगर इससे लात मार देता है तो उसकी पीठ तक ठीक हो जाती। मेरा सगा बड़ा भाई उल्टा पैदा हुआ था। अच्छा भाई उल्टा पैदा हुआ, सारे उल्टे काम खुद कर रहा है ये। हाँ जी दूसरा सवाल। हाँ जी मेरा दूसरा सवाल। अच्छा सब जगह ना कपिल तुम जाके ये बोलोगे फिल्म पे बड़ा खर्चा हो गया, प्रोड्यूसर तुम हो, हीरो तुम हो, जब सारा पैसा खुद पे खर्च किया तो प्रॉब्लम क्या? देखिए फिल्म पे खर्चा हुआ वो मुझे बुरा नहीं लग रहा, वो मुझे चुभ नहीं रहा क्योंकि हमारी फिल्म अच्छी लग रही है। मुझे चुभ ये रहा कि ये दोनों आज जो कर रहे हैं ना ये इसके भी पैसे लेके जाएंगे, ये मुझे बड़ा चुभ रहा है। अच्छा वैसे कपिल जी मुझे एक बात बताइए जी, आपने फिल्म कर ली है लेकिन आप स्टार्स की तरह नहीं बैठ रहे, आप ऐसे बैठे हो जैसे टांगे पे बैठे होते हैं। थोड़ा ऐसे ऐसे करके बैठो, थोड़ा ऐसे रखो। ओए जो सवाल लिख के लाया ऐसे लग रहा काउंट। हाँ गरीब आदमी यही बातें, टांगा घोड़ा गाड़ी। सिद्धू पाजी मजा नहीं आ रहा ना? हाँ जी एक्चुअली ये घर का ही है, सवाल करने का उतना मजा नहीं आ रहा, ग्लैमर ना हो स्टेज के ऊपर, तो मैं पहले बुलाना चाहता हूँ हीरोइंस को फिल्म की। हाँ बहुत अच्छा आइडिया पाजी, जोरदार तालियां हमारी फिल्म की हीरोइंस के लिए। स्वागत कीजिए ईशिता दत्ता
एंड मोनिका गिल जी का। जी मधुबरा मौसम और मस्ताना माहौल हो गया। वाह 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 वाह। इन सब का दिल आपके हाथों का रिमोट कंट्रोल हो गया। वाह। कुछ यूं आग लगाई आप दोनों के हुस्न ने, आपके छूते ही पानी भी पेट्रोल हो गया। बड़ा महंगा शेर बोला आपने पेट्रोल डाल के। मेरा एक सवाल है, जब भी कोई लड़की हीरोइन आती है ना, तो उसके सपनों में वो रहता है ना एक के राज सिमरन जोड़ी टाइप, हीरोइन हीरो है ना। तो आपकी फिल्म में हीरो का नाम मंगा, तो आपने प्रोड्यूसर से ऑब्जेक्शन नहीं किया, ये कैसा नाम रखा मंगा? ये सवाल तेरे को किसने कहा था? नहीं वैसे वैसे पाजी बात सही है, मंगा तो जहां तो दही लेने जाता है, जहाँ ये देखने जाता है कि बाहर बारिश हो कि नहीं हो रही कि नहीं हो रही। मंगे यार देख क्या लाइट आ कि नहीं आ रही। अरे 100 साल पुरानी कहानी, ऐसे नाम होता। मैं क्या अपना नाम पीटर रख लेता उधर? मंगत राम नाम है मेरा, मंगा कहानी की डिमांड है बस। चक्कर क्या है? फिकर ना कर कपिल, मंगा बहुत ही चंगा। हाय 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 हाय, क्या बात है पाजी। पता क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि राज और सिमरन फिल्म में होना तो लगता है फिल्म में हीरो और हीरोइन है, मंगा फिल्म में मंगा पाजी मंगा सोचो फिल्म में होता तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होने थे? रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं लेकिन नाम है मंगा टूस। ओ मैंने क्यों ये स्पेशल इवेंट बना लिया, मुझे माफ कर दो। अच्छा अगर हीरोइन बोले ना तुम नहीं समझोगे मंगे, कुछ कुछ होता है। पाजी अगर इसका नाम फिल्मों में आ जाए तो? नाम चंदू चाय वाला, बाप का नाम चुन्नू पंचर वाला, शहर जर्जर, चेहरा जर्जर। खैर मोनिका जी आपसे मेरा सवाल है, फिरंगी से पहले भी आपने 3 पंजाबी फिल्में की हैं। यस। तो इस फिल्म में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई हैड अ लॉट ऑफ फन। I enjoyed working with Kapil. He's a very serious actor. And I learned a lot. America se import karai hero ne, aisa na samajh tu. Yeah. Monica, ask him something in English. Oh, iski na bolo pol iski aaj. How do you enjoy working with Kapil? Do you have fun? Bouncer. Very hot. बात सुनो, देखो कोई ब्रदर सिचुएशन में फंस जाए ना तो उसका हमेशा साथ देना चाहिए। सारी फिल्म आपने उधर हिंदी में कर लिया, इधर आकर मैं व्हाट्स फॉर ऑल ऑफ यू। आई एम सॉरी चंदू। ओए भाई चंदू फिर कह दिया इसने। अरे चवनप्राश का डब्बा खाली हो जाता ना जब जब खाली बस, हो जाता बस पता चल गया सबको कि मेरा मुंह चवनप्राश के डब्बे जैसा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा कपिल जी जब आप शो करते थे तो शो में कोई भी हीरोइन आती थी तो आप उसके साथ फ्लर्ट करते थे? जी। तो यहाँ तो सारे पैसे खुद लगाए आपने, इन दोनों को तो जीना हराम कर दिया होगा आपने। देखिए ये अपनी नेचर के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं सवाल, बिल्कुल ऐसा नहीं। पर हाँ मैं उन्हें सीरियस नोट, हमारी जो फिल्म में रोमांस दिखाया गया है, मेरा और सरगी का जो रोमांस है इश्ता के साथ, वो 1920 में पाजी आप नहीं, आपको कैसे पता होगा? मुझे कहां से पता होगा? नहीं हाँ पर पहले 1990 की हवा उड़ा दी, अब 1920 की उड़ा रहा है पाजी। आज से 100 साल पहले लव मैरिज तो अलाउड ही नहीं थी। कोई अगर हो भी जाता था किसी को इश्क तो बताता ही नहीं था आदमी, कि मारनी पड़नी है क्यों दिखाए। तो ये उस समय का रोमांस है कि 6-7 किलोमीटर पैदल चल के लड़की के गांव जाता है। अच्छा अपनी गांव की लड़की के साथ भी आप प्यार नहीं कर सकते क्योंकि अपने गांव की लड़की को बहन कहा जाता है, सुन लो अपने मोहल्ले में ट्राई मारने वालों। तो ये उस समय का एक यू नो ऑर्गेनिक रोमांस मैं कहूंगा इसको, ऑर्गेनिक रोमांस कि आदमी जाता है 10 किलोमीटर चल के जा रहा है और अपनी हिरन को देख रहा है
बस देख के आ गया, बस इतना ही है और कुछ नहीं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.